आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबर भोपाल से, बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं भोपाल में बारिश के कारण सारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। हर वार्ड की हालत इतनी खराब है कि वहां चलना तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी निकालना मुश्किल है। ऐसे में सरकार कांग्रेस की है और महापौर बीजेपी का है। आपसी झगड़ों के कारण जनता पिस रही है, लेकिन आज बीजेपी के सभी पार्षदों ने मिलकर माता मंदिर पर स्थित नगर निगम दफ्तर में ताला जड़ दिया है। उनकी मांग है कि उनकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, और चूंकि कमिश्नर कहा जा रहा है कि कांग्रेस का व्यक्ति है और बीजेपी के पार्षदों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है, ऐसे में जनता हावी हो रही है। पार्षदों की समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। सुरेंद्रनाथ सिंह की अगुवाई में आज बीजेपी के सभी पार्षदों ने ताला जड़ दिया है और अनशन पर बैठ गए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, क्या हालात हैं। कार्यालय आयुक्त पर ताला जड़ दिया गया है, काफी भीड़ है, सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, दंगा होने की भी आशंका है, पथराव की भी बात कही जा रही थी। लोगों ने साफ साफ आरोप लगाया है कि चूंकि आयुक्त कांग्रेस का व्यक्ति है, इसीलिए वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। बीजेपी पार्षदों की एक भी मांग पूरी नहीं की जा रही है, सुना नहीं जा रहा है। सफाई हो या पानी की व्यवस्था हो, सिर्फ बीजेपी पार्षदों की नहीं सुनी जाती, ये आरोप बीजेपी पार्षदों का है। और यहाँ सुरेंद्रनाथ सिंह की अगुवाई में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये साहब देखिए, पूरे भोपाल में विकास के काम ठप है। जो हम लोगों ने पार्षद कोटे से, महापौर कोटे से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो काम हमने स्वीकृत कराए थे, वो सब काम बंद है। हमारे सहयोगी सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यम, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज नगर निगम के कार्यालय के बाहर बीजेपी पार्षदों और पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह ने धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने बीजेपी इसमें कार्यालय में, नगर निगम कार्यालय में ताला जड़ दिया। उनका कहना है कि जो गड्ढे हैं, जो भोपाल में जिस पहली बारिश में इतने गड्ढे हो गए हैं और चलना मुश्किल हो गया। बीजेपी पार्षदों के का आरोप है कि जितने काम हैं बीजेपी पार्षदों के जो पूर्व में किए जाते थे, वो नहीं किए जा रहे हैं। सत्यम, बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि भोपाल गड्ढों में है कि गड्ढों में भोपाल है, ये अंदाजा नहीं लगा जा पा रहा। और पैदल चलना तो बहुत दूर की चीज है, गाड़ी तक नहीं निकाली जा सकती है उन गड्ढों में से। व्यवस्थाएं तो चरमराई, बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्थाएं ऐसी चरमराई हुई है कि समझ में ही नहीं आता। जैसा आपने कहा कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। सुरेंद्रनाथ सिंह का सीधे तौर पर आरोप कमलनाथ सरकार पर है कि कमलनाथ ने कमिश्नर यहाँ पे तय किए हैं, और कमलनाथ के कमिश्नर होने के कारण बीजेपी पार्षदों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। जहाँ बीजेपी वार्ड, जहाँ पे बीजेपी पार्षद है, वहाँ के वार्डों की हालत एकदम खस्ता हो गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उसी को लेकर के सुरेंद्रनाथ सिंह ने और पार्षदों ने मिलकर के धरना प्रदर्शन किया। वहां पे कमिश्नर ऑफिस के बाहर ताला भी जड़ दिया। उसके बाद भी इन लोगों का भी प्रदर्शन जारी था। उनका, जब मैंने बात की सुरेंद्रनाथ सिंह जी से, तो उनका कहना है कि जो ये बीजेपी के पार्षद है उनके खिलाफ सिर्फ ऐसी जो कार्रवाई। सत्यम, एक 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 चीज तो बिल्कुल देखने में आई है कि इस वक्त थोड़ी सी ही बारिश हुई है और भोपाल शहर रुक सा गया है, और सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, और कमलनाथ सरकार तबादलों में लगी। बिल्कुल, सुरेंद्रनाथ सिंह का भी यही आरोप है कि कमलनाथ सरकार जो है तबादलों में व्यस्त है। उद्योग, तबादला उद्योग उन्होंने खोल के रखा है और तबादलों में व्यस्त है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहना सुरेंद्रनाथ सिंह जी का भी है। और जो पार्षद है, उन्होंने बड़े सुबह से ही उनका जमावड़ा में हमने देखा कि लगना शुरू हो गया था। उसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई। सियासत ऐसी शुरू हो गई कि सरकार बोली जा रही है कमलनाथ कांग्रेस की है, और जो जो अध्यक्ष हैं, जो महापौर हैं, जो पार्षदों के, वो हैं। सत्यम शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि वहां पर जो पार्षद एकत्र हुए हैं बीजेपी के, उनकी मांग क्या है? बीजेपी पार्षदों की मांग है कि कमिश्नर ने जो कार्य उनके पहले से हो रहे थे, उनको कार्य को किया जाना चाहिए और पूर्ण होने चाहिए। बीजेपी पार्षदों के कार्य क्यों नहीं किए जा रहे हैं, क्यों उन पर अड़ंगा लगाया जा रहा है, ऐसा पार्षदों और पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह जी का मतलब मांग है कि ऐसा बीजेपी पार्षदों के ही कार्य क्यों रोके जा रहे हैं। जी शुक्रिया सत्यम।
आप देख सकते हैं कि राज्य में सरकार कमलनाथ की है और महापौर बीजेपी के हैं। आपसी झगड़ों के कारण जनता पिस रही है और कमलनाथ सरकार पर आरोप सीधा सीधा है कि तबादलों में लगे हुए हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं और पूरे शहर की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।